तो दोस्तों आज मैं बताने वाली हूँ कि ये सिलेंडर में रेगुलेटर को कैसे कनेक्ट करते हैं। जो नए नए बिगनर्स होते हैं ना, उन्हें पता नहीं होता है कि रेगुलेटर को सिलेंडर में कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। ये जो कनेक्ट होता है ना, तो यहाँ पर ये जो नॉब है, ये अगर ऊपर साइड है तो ये हमारा जो सिलेंडर है ये ऑन है, और ये जब नीचे की तरफ ऐसे हम घुमा देते हैं तो ये बंद हो जाता है। तो जब भी आपको ये रेगुलेटर चेंज करना होगा तो ये आपको नीचे की तरफ करना होगा। और देखिए ये ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब ये खुला हुआ है, ये नीचे की तरफ है तो ये बंद है। और ये जब ऊपर की तरफ रहेगा तो ये जो रेगुलेटर है ना, ये खुलेगा नहीं। जब भी आपको रेगुलेटर चेंज करना होगा, इसको खोलना होगा, सिलेंडर चेंज करना होगा, तो इसको आपको नीचे करना होगा। तो यहाँ पर मैंने नीचे कर लिया, और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, इसको दोनों साइड से हमें इस तरीके से पकड़ कर, ऊपर की साइड इस तरीके से कर कर और इस तरीके से खोलना होगा। ये एक मैकेनिज्म है जिससे जिसकी वजह से ये जो ऐसे आप देख सकते हैं, इसको हम ऐसे ऐसे करके पुल करेंगे ऊपर की तरफ तो ये खुलता है। इसको जब हम ऊपर की तरफ करेंगे तब ये खुलता है, और सेम उसी तरीके से जब हमें इसको नॉब में लगाना होता है ना, तो इसको ऊपर की तरफ करेंगे और ऐसे करके इसको दबा देंगे तो एक खट से आवाज आएगी, देखिए इस तरीके से। तो ये हमारा रेगुलेटर सिलेंडर में कनेक्ट हो गया है। तो जब आपको खोलना होगा तो ये जो ये पिन है ना, इसको ऊपर की तरफ हमें घुमाना होगा। जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो इसको हम इस तरफ से ऐसे ये घुमा देंगे, और ये हमारा जो गैस है वो गैस स्टोव पर इसका गैस जाने लगेगा। जब हमें इसको बंद करना होगा तो इसको हमें नीचे की तरफ घुमा देना है। जब ये पिन ऊपर रहेगा इस तरीके से, तो आपका जो ये रेगुलेटर है सिलेंडर में से बिल्कुल नहीं निकलेगा, क्योंकि ये जो हम ऊपर की तरफ पुल करते हैं ना, खींचते हैं, ये ऊपर आएगा ही नहीं। इसलिए जब भी हमको चेंज करना होगा तो ये जो है नॉब, इसको हमें इस तरीके से घुमाना होगा। उसके बाद ही जब हम इसको ऐसे खींचेंगे, और आप देखिए एक आवाज़ आ रही है, और इसके बाद इसको हमें ऊपर की तरफ खींच लेना है। तो इस तरीके से हम अपने सिलेंडर में रेगुलेटर को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, खोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फिर से एक बार लगा के दिखा देती हूँ। ये वाला जो हिस्सा है, इसको हमें ऊपर की तरफ इस तरीके से पुल करना है, उसके बाद हमें इस तरीके से लगाकर दबाना है, और ये इस तरीके से छोड़ देना है। ये हमारा जो रेगुलेटर है सिलेंडर से कनेक्ट हो गया है। अब आप ये जो पिन है इसको ऊपर की तरफ करिए, आपका गैस जो है स्टोव में जाएगा, और आप अपना गैस स्टोव को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी यूज़फुल वीडियो। अगर यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ इसे एक लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कल फिर मिलती हूँ ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।